नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छे से टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये जो मैं थिंकिंग बताना चाह रहा हूँ, अपनी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये ट्रिक अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए कि बहुत ही काम की चीज़ है। आपकी एक गलती के कारण, यानी आपकी एक गलती के कारण ही आपका बैंक बैलेंस, या फिर मान लीजिए आपका क्या कहते हैं फेसबुक अकाउंट, या फिर जो भी आपके नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं, सभी को खाली किया जा सकता है, उनका पासवर्ड चेंज किया जाता है और भी बहुत कुछ, तो आप जितना सोच नहीं सकते। तो कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे लोग को अगर आपने देखा होगा कि फ़ोन में वायरस डालते हैं, इसी तरीके से एक एप्लीकेशन आता है। अगर मान लीजिए, देखिए जलता वही है जिस जो आपके आसपास होता है, और वो आसानी से आपका मोबाइल ले भी सकता है। अगर उसने आपने आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल दिया और उस एप्लीकेशन को डाल के उसने लिया, हाइड कर दिया, या फिर हाइड भी नहीं किया, आप भी सोचोगे घुसता गेम वगैरह हो, लेकिन अगर आपने उस एप्लीकेशन को ध्यान नहीं दिया तो आप ये भूल जाएँ कि वो आप एप्लीकेशन जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँचा रहा है। आपका हर एक मैसेज, हर एक कॉल, हर एक फ़ोटो, हर कुछ, एवरीथिंग उसके पास पहुँच रही है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, अगर आप ये वीडियो देखिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, एयरड्रॉइड के नाम से एक वेबसाइट है जिसका एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन किसी के फ़ोन में अगर इंस्टॉल कर दो और उस पर खाली एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपको वहाँ से मिल जाता है आईडी और पासवर्ड। ये जो वेबसाइट काम करती है मल्टी स्क्रीन का, यानी आप अपनी फ़ोन की सभी चीज़ें अपने लैपटॉप वर्क में देख सकते हैं, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। जितने भी बुरे लोग हैं वो इसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी आपको वार्निंग कर रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में किसी और ने डाला है ये एप्लीकेशन, तो चेक कर लीजिए। देखिए एप्लीकेशन की कोई बात नहीं, एप्लीकेशन जैसे बहुत से होते हैं, बस अपने फ़ोन में चेक करते रहिए कोई ऐसा एप्लीकेशन ना हो जो आपकी फाइलें ट्रांसफ़र कर रहा हो तुरंत ही। देखिए क्या होता है, फाइलें ट्रांसफ़र कैसे हो रही, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, वेबसाइट पर जाने के बाद मैं जो है आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक वेबसाइट है विजिट किया मैंने, web.android.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, इसका एक एप्लीकेशन आता है जो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। अब आपको दिखाऊंगा कि सिंपल मैंने उस पे एक अकाउंट बनाया, अकाउंट बना भी आपको सिखा दूंगा इस वीडियो को लास्ट तक, आप देखते रहिए और सीख जाएं कि आपने कैसे अकाउंट बनाया। देखिए अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तो यहां से उस आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूं कि कैसे मैं अपने फ़ोन के सारे मैसेज वगैरह पढ़ सकता हूं, वो भी रिसेंटली। मैंने यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया और साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ और साइन इन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात आपको और भी बता दूँ आपको कि इसमें क्या है, आपका सभी मैसेज, सभी कॉल डिटेल सब कुछ शो हो जाएगा। तो यानी ये एप्लीकेशन काफ़ी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मैं साइन इन कर लिया, साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा रहा है और सिंपल कुछ ही सेकंड का बात है, उसके बाद वो कनेक्ट हो गया। देखिए कनेक्ट हो गया, यानी अब इस टाइम मैं इसमें मैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर रीड कर सकता हूँ, फाइल्स रीड कर सकता हूँ, कैमरा फोटो खींच सकता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच सकता हूँ, स्क्रीन पे क्या चल रहा है सबको देख सकता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है बहुत पावरफुल, अगर इसका यूज़ ठीक किया जाए, बट यहाँ पर यूज़ हो रहा है बहुत दुरुपयोग, ये इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सिंपली मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर करना चाहते हैं, तो आपके फोन नंबर पे एक OTP आता है, ठीक है। वो OTP से ही आपका सारा बैंक बैलेंस, अगर आप चाहते हैं, अगर ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हमारे पास आता है एक OTP कोड, वो आता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अगर किसी ने आपका मोबाइल हैक कर रखा है तो वो आसानी से मैसेज हैक कर सकता है। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको अपने दूसरे फ़ोन पर एक मैसेज लिख के देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज भेज देता हूँ, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या ये मैसेज मैं पढ़ पाऊँगा रिसेंटली। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ, हैक नाउ, आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ हैक नाउ। और टाइमिंग भी जो इस टाइम है मैं आपको बता दूँ, टाइमिंग हो रहा है 1:17 और यहाँ से सेंडिंग चालू है। सॉरी मैं एक बार फिर से, सेंडिंग से नहीं होगा, हैक नाउ एंड सेंडिंग। तो देखिए 1:18 हो रहा है और यहाँ पे सेंडिंग चल रही है, बहुत ही कुछ ही घंटों में पहुँच जाएगा ये। स्क्रीन कैप्चरिंग, देखिए मैसेज पहुंच चुका है। अगर मैसेज पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है एक OTP कोड पहुंच चुका है। आप मान लीजिए आप बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एक मैसेज गया आपका, ठीक है। और फिर सिंपली व्यक्ति ने अगर आपका हैक कर रखा है मोबाइल, तो सिंपली वो विजिट करेगा एयरड्रॉइड पे और तुरंत ही आपका लॉगिन करेगा, जो भी उन्हें अपना ईमेल और पासवर्ड चूज़ कर रखा होगा, और उसके बाद में वो ये मैसेज जो है वो तुरंत ही रीड कर लेगा। देखिए जो OTP होता है, OTP का कम से कम 2 मिनट का टाइमिंग रहता है, और 2 मिनट के प्रोसेस में आराम से वो ये काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं मैसेज देख लूँ, यहाँ मैसेज है, ठीक है। मैसेज पर क्लिक करते हैं,
और मैसेज के देखिए मेरे पास विंडो ओपन हो जाती है। अगर वो पीसी हो तो पीसी में उसका कनेक्टर बिल्कुल ठीक दिखा देगा। तो यहाँ पे मैसेज जो है ओपन हो रहा है हमारे पास। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत एक मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मैसेज भेजा था वो यहाँ पे मैसेज आ गया, हैक नाउ। इस तरीके से सिंपली आप इस तरीके से देखिए आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना हार्मफुल है आपके लिए ये एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में है। देखिए सभी मैसेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं एक आपको तीन एग्जांपल देता हूँ। एक है आपका बैंक, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ओटीपी कोड आता है। अगर मान लीजिए वो बंदा आपके उसके पास आपकी कार्ड डिटेल है, यानी अगर आपके आसपास का बंदा है तो उसके पास आपकी कार्ड डिटेल जरूर होगी। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है वो, यहाँ पे कार्ड डिटेल आपका कोई बड़ी बात नहीं है, कार्ड डिटेल उसके पास पहुँच जाती है और वो आपका पेमेंट करता है। आपका ओटीपी कोड आता है आपके मोबाइल में और वो आपका ओटीपी कोड इस वेबसाइट से देख के तुरंत ही पेमेंट कर देगा। सेकंड आता है आपका फेसबुक अकाउंट। अगर फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड रिकवर करना हो, उनका फ़ोन चेंज करना हो, फ़ोन नंबर चेंज करना हो, तो भी आपके पास एक ओटीपी कोड था आपके फ़ोन में, वो फ़ोन का जो ओटीपी कोड है वो इस तरीके से हैक कर सकता है। यानी टोटल चीज़ें आज के टाइम में हमारा सभी कुछ, हमारा एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता है, अगर किसी ने हमारा फ़ोन नंबर हैक कर लिया तो समझिए सब कुछ हैक कर लिया, हमारी सारी प्राइवेसी हैक कर ली है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी अकाउंट नंबर यानी मतलब अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी वो इंसान देख सकता है और यहाँ पे वो एक से तीन चार फ़ोन पर अटैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे सोनी का है, अगर आप चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या फिर फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपके फ़ोन की लोकेशन देख सकता है, वो एप्लीकेशन देख सकता है, फाइल्स देख सकता है, आपकी सारी फ़ोटो देख सकता है, कैमरा देख सकता है। अगर उसने प्रीमियम वर्जन दे रखा है, यानी अगर मैं पेड वर्जन दे रखा है सॉफ्टवेयर का, तो वो काफ़ी और ज़्यादा पावर भी ले सकता है। अभी तो म्यूज़िक, रिंगटोन्स, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी कुछ, लगभग सभी कुछ। यानी अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत 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 काम की है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर बस क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा फ्री में पाइए अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। फिलहाल आज के लिए काफ़ी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही दूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी था इसलिए। आज बताएंगे हम आपको एयरड्रॉइड को आप इंस्टॉल कैसे करें। देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन है जो इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक है वो मैंने वीडियो नीचे दे रखी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आपके पास जब ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ फीचर्स के दिखाए जाएंगे कि ये एप्लीकेशन जो है क्या क्या कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इसके आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस यहाँ पे ईजिली दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, सबसे लास्ट में देखेंगे तो मी का ऑप्शन आता है यानी माई प्रोफाइल। अब यहाँ पे टैप टू साइन इन, यानी साइन इन करना है आपको, यानी अपना लॉग इन करना है। अभी आपके पास लॉग इन नहीं है तो साइन अप पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले स्टार्टिंग अकाउंट करेंगे किसी का भी। अगर अकाउंट्स आपको मोबाइल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिलहाल मैं सजेस्ट करता हूँ किसी और का नहीं, अपने ही आप कर सकते हैं। ये आपके भी काम की चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन घर पे रह गया, कहीं रह गया, तो आप दूसरे फ़ोन से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ईमेल डालना है, एक पासवर्ड डालना है और पासवर्ड अगेन दोबारा से डालना, एक निक नेम डालना और साइनअप हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने देखिए ईमेल डाल दिया अपना और पासवर्ड डाल दिया और एक निक नेम डाल दिया, साइनअप पे क्लिक कर देंगे तो सिंपल सी बात है साइनअप हो जाएगा और एक कन्फर्मेशन हो जाएगा। यानी कि मैं यूज़ कर चुका हूँ तो दूसरा अकाउंट यूज़ करता हूँ, पहले तो ट्राई करता हूँ। हाँ, ये अकाउंट से हो गया। तो देखिए यहाँ पे लेके आ गया मेरा जीमेल और एक रिमोट डाटा यूसेज सब कुछ दिखा रहा है, रिसेट इन 30 डेज, सब कुछ यूसेज पता लग जाएगा और बस सिंपल। आप इसको देखिए एप्लीकेशन काफ़ी काम का, लेकिन बस सिक्योरिटी आपको रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्जेंडर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स काफ़ी हैं, लेकिन देखिए आप टूल्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी फीचर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा है खतरनाक, इसलिए डर लगता है। बस बूस्टर है, फाइंड फोन है, ट्विथरिंग है, बैकअप मोड है, रिकॉर्ड स्क्रीन है, तो काफ़ी फीचर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो मैं आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में करना। फिलहाल इतना ही आज के लिए, जल्द हाजिर होंगे नई टिप्स आता, तो धन्यवाद, थैंक यू। कनेक्ट करना आपको बताइए, अगर आप करना चाहें ट्रांसफ़र तो आप यहाँ पे स्कैन से भी कर सकते हैं, जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा वेबसाइट पे, वहाँ पे सिंपल स्कैन से भी कर सकते हैं। थैंक यू।